मुझे तो सबसे बड़ा इतराज ही यही है कि एमन ने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया। क्या पता वो इंतजार कर रही हो कि शायद कोई उम्मीद हो सके कि वो ठीक हो जाएगा उसके साथ। उन लोगों ने दूसरी बार तुम्हें अपने घर से बेइज्जत करके निकाला, इसलिए खुदा के लिए अब एमन का ख्याल छोड़ दो। अब तो ऐसी बातें मत करें, मैं नहीं देख सकता उसे तकलीफ में। बस अब तो पहुंच गई ना वो अपने माँ बाप के पास, तेरी जिम्मेदारी खत्म, अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दे। मामा, अली बेटा, तुम्हारी मामा ठीक कहती है, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। बहुत भाग लिया तुमने एमन के पीछे। ना एमन पहले तेरी थी ना अब हो सकती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन एक बात आप लोग भी समझ लो, अब वो ये है कि एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो एमन की जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। ये समझता है वक्त इसके हक में फैसला कर देगा। वक्त ने इसको इतना ही उम्मीद दिला दी है शायद। इसकी उम्मीदें टूटी कब थी आशा? क्या हुआ इधर, ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? हाँ? जी। एम्पल, हम कितने बदनसीब हैं। हमारे माँ बाप ने हमें हमेशा से सुख देना चाहिए और हम तो भी मैं क्या के बैठ गए। तुम्हारी लड़ाई है का शांत जिंदगी से जुड़ी उसके लिए वो भी बुरी दिन रखती जो उसके पास है, उसे सिर्फ अपने घर की परवाह होती है। वो ये क्यों नहीं समझता कि उसका घर भी तो उसकी बीवी का घर। तुम कब से यहाँ पर हो? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें बताती, तुम्हें हमारे बीच तो बताने का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुम्हारा रिश्ता मुख्तार के साथ छोड़ा था।